अज़ीज़तुल बाव तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम इस नक्शे का बग़ौर मुशाहिदा करेंगे और पूछे गए सवालों के जवाब देखेंगे। देखिए तलबा, ये दुनिया बर्रज़मी प्लेट, जलजले के इलाके और आतिशफिशा कहाँ कहाँ वक़ू पज़ीर होते हैं, इस नक्शे में ये बताया गया है। आइए ये देखते हैं। ये एक इशारिया है, इसमें बर्रज़मी की प्लेट सरहद को इस काली लकीर के इशारे से बताया गया है। बर्रज़मी प्लेट साजी की सरहद को इस नीले रंग की लकीर से बताया गया है। जलजले का इलाका इसको इस नुक्ते नुक्ते चौकोर डिब्बे इस निशान से जाहिर किया गया है। उसी तरह आतिशफिशा को इस मुसल्लस के निशान से बताया गया है। आइए तलबा, अब हम बर्रज़मी प्लेट कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। जैसे यूरेशिया बर्रज़मी प्लेट, पैसिफिक बर्रज़मी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया बर्रज़मी प्लेट, एंटार्कटिका बर्रज़मी प्लेट, अफ्रीका बर्रज़मी प्लेट, अमेरिका बर्रज़मी प्लेट, अमेरिका बर्रज़मी प्लेट, स्कोशिया बर्रज़मी प्लेट, पैसिफिक बर्रज़मी प्लेट वगैरह। आइए तलबा, आतिशफिशा के इलाके हम इस नक्शे में देखेंगे। जैसे फिजी इलाका, करेकाटोवा, उसी तरह वेस्विस, इस्रामबोली और टीना, कुलीमंजारो, सोमालिया बर्रज़मी, कोटोपाक्सी, पारक्यूटिन और मोनालाओ, ये सब इलाके आतिशफिशा की जद में आए थे। आइए अब हम कुछ सवालात देखते हैं। आइए तलबा, अभी हमने इस नक्शे का बग़ौर मुशाहिदा किया, अब हम कुछ सवालात के जवाबात इसी नक्शे के ज़रिए देखेंगे। सवाल नंबर एक है, नक्शे में बर्रज़मी प्लेटों की सरहदों का मुशाहिदा करके बर्रज़मी प्लेटों के नाम लिखिए। सवाल नंबर दो है, जुनूब और शुमाली अमेरिका में जलजले का इलाका बर्रज़म की किस सिमत में है, वहाँ कौन सा कोहिस्तानी इलाका है। सवाल नंबर तीन, बर्रज़म एशिया में जलजले से मुतासिर इलाके किस पहाड़ी इलाके में है। सवाल नंबर चार है, बर्रज़म अफ्रीका में आतिशफिशा किस इलाके में मुस्तहकम है, इसकी वजह क्या है। सवाल नंबर पाँच है, जलजले के इलाके आतिशफिशा की दर्जबंदी और बर्रज़मी प्लेटों की सरहदों से इनका ताल्लुक जोड़िए।